आपका स्वागत करती हूँ। विंटर्स हमारे यहाँ बहुत ही खूबसूरत फूलों का मौसम होता है और स्प्रिंग तक आते आते हमारा विंटर गार्डन अपने पीक पे पहुँच जाता है। ऐसे में अगर आपने अपना गार्डन प्लान करके बनाया हो तो उसका आनंद ही अलग होता है। और हम में से ज़्यादातर लोग बहुत पसंद करते हैं कि हमारे गार्डन में विंटर्स में खूब सारे फूल लगे हों और बहुत सारे फूल खिले। और मगर कई बार ऐसा होता है कि हम उनको पहले से प्लान नहीं करते हैं, ऐसे में हम जा करके कोई भी प्लांट उठा लाते हैं और अनऑर्गेनाइज ढंग से अपना गार्डन प्रिपेयर करते हैं, जो कि उतना आकर्षक और खूबसूरत नहीं लगता है। फिर आपको ये लगता है कि चलो अगली साल आप फिर से बहुत प्लांट वे में करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जिनको आप किस किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, कितने कितने अमाउंट ऑफ सनलाइट की इनको ज़रूरत है और कैसे आप इनको लगाएं ताकि आपको निराश न होना पड़े और आपको एक अपने घर में एक प्रॉपर प्लेस मिल जाए हर प्लांट के लिए। और आप अगर अपनी गार्डन की लोकेशन के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग प्लांट्स को चुनते हैं तो आपका गार्डन में फूल भी खूब खिलते हैं और वो खूबसूरत भी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने विंटर गार्डन को ऑलरेडी प्लान करके आप अपने समय की और ऊर्जा की और धन की बचत भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और सम विंटर्स में खूब फूलों से इनको भर के अपने भी दिल को खुश कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के दिल को भी खुश कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा, मैं तमाम जो फ्लावरिंग जो फ्लावर्स मैंने पिछले सीज़न में लगाए थे वो तमाम फ्लावर्स को मैं की पिक्चर्स के आगे मैं उनकी वैरायटीज़ के नाम लिखूंगी ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सी फ्लावरिंग वैरायटी का क्या नाम है और जब आपको अपने विंटर गार्डन को प्लान करना हो तो ये सारी वैरायटीज़ में से आप अपने लिए माफिक अपनी पसंद की वैरायटी चुनें और फिर उनको आसानी से लगा सकें। अपने विंटर गार्डन को एडवांस में प्लान करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने गार्डन को विजुलाइज़ कर लें और उसके बजट को फिक्स कर लें। बजट फिक्स होने से आप अनावश्यक खर्चों से बचेंगे, आप गलत और लोकेशन के हिसाब से माफिक प्लांट ना खरीद करके अपना नुकसान करेंगे। इसलिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने बजट को फिक्स कर लें कि आपका ये सर्टेन बजट है, उस बजट के अकॉर्डिंग आप अपने प्लांट्स को डिवाइड कर लें कि आप कितने सीड्स लगाएंगे, कितने सीडलिंग्स खरीदेंगे और कितने रेडी प्लांटर्स खरीदेंगे। उससे आप अपने खर्चे को कंट्रोल कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने गार्डन को ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बना सकेंगे। दूसरी बार आप अपने गार्डन का डायरेक्शन को डिसाइड कर लें, क्योंकि विंटर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादातर को 7 से 8 घंटे की अच्छी धूप चाहिए ग्रो करने के लिए और सीधी धूप चाहिए। और अगर आपकी बालकनी या गार्डन में धूप नहीं आती है और आप उन वेराइटीज़ को चुनाव कर लेते हैं जो कि काफ़ी धूप मांगती हैं, फिर ऐसे में आपका प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, आप निराश होते हैं और सही धूप न मिलने की वजह से आपका प्लांट तरह तरह के पेस्ट का, तरह तरह की डिजीजेस का शिकार होता है और आपके लिए जो गार्डनिंग होता है वो डिसअपॉइंटिंग होता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपके गार्डन की डायरेक्शन क्या है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको डायरेक्शन साउथ या वेस्ट ही माफिक आती है, जिनमें कि रोजेज़ की सारी वेराइटीज़ हैं। रोजेज आपको लगाने के लिए उनमें अच्छे से फूल पाने के लिए 7 से 8 घंटे की धूप ज़रूरी है। हालांकि ये 4 से 5 घंटे वाले जो बैल्कनीज या जो गार्डन्स हैं उनमें भी ये फ्लावरिंग करेंगे, पर फ्लावरिंग की क्वांटिटी कम होगी और फ्लावर का जो क्वालिटी होगी वो भी उतनी बेहतर नहीं होगी जितनी कि इनको प्रॉपर सनलाइट वाले एरिया में होगी। और दूसरा जो प्लांट है वो गुलदाउदी या क्रिसेंथमम है और गुलदाउदी को भी 6 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है और ख़ासकर बडिंग के स्टेज में ज़रूरत होती है ज़्यादा। तो अगर आपके गार्डन में धूप आती है तो आप इनके छोटे कटिंग्स को ला करके लगा लें, आपके पास ऑलरेडी पिछले साल के प्लांट हो तो उनसे कटिंग बना के लगा लें। तीसरे नंबर पे आती है बारी डालिया यानी कि डहेलिया की। अब डहेलिया एक ऐसा प्लांट है जिसको कि खूब अच्छी तादाद में सन चाहिए। डेलिकेट प्लांट इस वजह से है क्योंकि इसमें पेस्ट इन्फेस्टेशन और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, इसका फूलों का जो आकार होता है वो इतना बड़ा होता है और वो हमेशा सन फेसिंग होते हैं और इनको पूरी तादाद में अच्छी कड़क धूप की ज़रूरत होती है। जिनकी गार्डन या बैल्कनीज में धूप आती है उनके पास चॉइसेस भी अनलिमिटेड हैं। आप पेटूनिया लगा सकते हैं। पेटूनिया
ये थोड़ा लेट खिलना शुरू करता है, पर ये काफ़ी लंबे समय तक अप्रैल तक बना रहता है, और इसमें इतनी बम्पर फ्लावरिंग होती है कि ये प्लांट आपके गार्डन में एकदम कलर ऐड कर देता है। इसके अलावा आप धूप वाले गार्डन में नास्टर्शियम को लगा सकते हैं। नास्टर्शियम भी बहुत बड़ी तादाद में और काफ़ी लेट तक फ्लावरिंग करता है। इसके अलावा तमाम ऐसे फ्लावर्स हैं जैसे क्लार्किया है, हॉली हॉक है, ल्यूपिन, लार्कस्पर और स्टॉक, ये तीनों ही बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हैं जिनको आप घर में फ्लावरिंग अरेंजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आती है बारी वर्बेना की और डायंथस की, ये और कार्नेशन की, ये तीनों ही फ्लावर बंचेस में फ्लावरिंग करते हैं, इनको आप बास्केट में भी लगा सकते हैं। फिर आती है बारी मैरीगोल्ड की यानी कि गेंदे की, फिर स्वीट पी, इसको आप क्रीपर की तरह लगा सकते हैं। फिर आता है बारी पॉपी की, पॉपी और कॉर्नफ्लावर दो ऐसे फ्लावर हैं इनको अगर एक संग लगाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत छटा होती है। इसके बाद कैलेंडुला, एस्टर, फ्लॉक्स, गजेनिया, गजेनिया एक ऐसा फ्लावर है जो बहुत ही अंडररेटेड है। इतना खूबसूरत इसका फ्लावर होता है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उनके कलर कॉम्बिनेशंस, उनमें इतने आर्टिस्टिक ये फ्लावर होते हैं कि मुझे तो ये फ्लावर बेहद पसंद है। एक तो ये छोटी हाइट का प्लांट होता है, आप इसको छोटे प्लांटर्स में लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके बाद आप डॉग फ्लावर को लगाएं, डॉग फ्लावर बहुत ही हार्डी होता है और ऑलमोस्ट पूरे आपके अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इंग्लिश बटरकप्स या रेनाकुलस आते हैं, ये एकदम रोज़ के जैसे फ्लावर होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बल्बस फ्लावरिंग प्लांट हैं जो बहुत अच्छा विंटर्स में फ्लावर देते हैं, जिनमें हायसिंथ है, ग्लैडियोलस है, ट्यूलिप्स की तरह तरह की वैरायटी है, लीलियम है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, डेफोडिल्स है, फूशिया है, तमाम ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको कि आप लगा सकते हैं और ये आपके गार्डन में कलर की एक नई छटा बिखेरेंगे। उनके गार्डन में कम धूप आती है, वो बहुत ही आसानी से उनके यहाँ वो पैंसीज लगा सकते हैं, वो जेरेनियम्स लगा सकते हैं, वो इम्पेशंस, कैलेंकोई की डिफरेंट वैरायटीज़, बिगोनिया की डिफरेंट वैरायटीज़, इनको लगा करके वो अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। और वो लोग तरह तरह के विंटर फोलियज प्लांट्स को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिनमें पोल्का डॉट प्लांट, कोलियस, केल, ये प्लांट भी कम धूप में चल जाते हैं। तो आप इनको लगा करके आप कम धूप वाले गार्डन्स में भी इन फ्लावर्स को लगा सकते हैं। जिनके यहाँ धूप कम आती है उनको तो, और एरिया छोटा है, उनको तो नर्सरी से उन प्लांट्स को लेकर के आना चाहिए जो पॉट में तैयार हों और जिनमें बडिंग हो रही हो, सो दैट कि उनको लाने के बाद वो आपके यहाँ आसानी से खिल सकें और आप उन फ्लावर्स को इन्जॉय कर सकें। क्योंकि अगर कई बार ऐसा है धूप ना प्रॉपर मिलने से प्लांट में प्रॉपर बडिंग नहीं होती है और फिर फ्लावरिंग नहीं होती है, और अगर आप बडिंग रेडी प्लांट लाएंगे तो आपके यहाँ वो आराम से खिल जाएगा और आपका गार्डन गुलजार हो जाएगा। आपके विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए आपको जो सॉइल की ज़रूरत है उसकी सबसे पहली शर्त उसका वेल ड्रेन्ड होना है, क्योंकि जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको वेट फीट्स बिल्कुल पसंद नहीं होते, यानी कि इनके रूट्स के पास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होता है तो इनमें कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और आपका प्लांट मर जाता है या फिर रूट्स जो होती हैं वो रॉट हो जाती हैं। इन प्लांट्स की रूट को लिमिटेड समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा लूज सॉइल की ज़रूरत होती है, तो आपको ये इंश्योर रखना होगा कि आपके जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनकी जो सॉइल हो वो बहुत हार्ड ना हो, उसमें क्रस्ट फॉर्म ना हो, वो लूज़ बनी रहे और प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करता रहे। एरेशन प्रॉपर रहेगा तो उसमें बडिंग भी अच्छी होगी और फ्लावर्स भी अच्छे आएंगे, आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। कौन सा ऐसा सॉइल कॉम्बिनेशन यूज़ करें ये मैं आपको अगला वीडियो, आपको मैं इसी सब्जेक्ट पे कर रही हूँ और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि विंटर के लिए आप विंटर प्लांट्स के लिए कैसे सॉइल प्रिपेयर करें और उनमें क्या क्या यूज़ करें, सो दैट कि आपको पूरे सीज़न उनमें कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े और आपका प्लांट पूरे सीज़न अच्छे से ब्लूम होता रहे। विंटर फ्लावर्स के लिए जो बेस्ट सॉइल कॉम्बिनेशन है उनमें इक्वल प्रपोर्शन में नॉर्मल गार्डन सॉइल, कोर्स सैंड और ऑर्गेनिक मैटर है। उसके बाद 10% के करीब आपको कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी जो आपके प्लांट को न्यूट्रिशनल, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे,
ताकि आपके प्लांट में लगातार फ्लावरिंग और बडिंग होती रहे। और ये सारा कॉम्बिनेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही अच्छे से चलते हैं, और इनको आप हैंगिंग बास्केट्स में, अगर आपके पास जगह नहीं है या आप अपने डेकोर में आपके हैंगिंग बास्केट्स आपने लगा रखी हैं तो आप उनमें भी इनको लगा सकते हैं। जिनमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो शेड्स में भी बहुत अच्छे से चलते हैं, जैसे इम्पेशियंस हो गए, कैलनकोई हो गए, बेगोनियाज हो गए, ये प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही अच्छे से चलते हैं। इसके साथ ही साथ मैं तो गुलदाउदी की छोटी जो वैराइटीज़ होती हैं उनको भी हैंगिंग बास्केट्स में लगाना पसंद करती हूँ। डॉग फ्लावर हो गया, नास्टर्शियम एक बेहतरीन हैंगिंग प्लांट है, पेटूनिया, जेरेनियम्स, ये सारे ही बहुत ही अच्छे हैंगिंग बास्केट्स प्लांट हैं। इसके अलावा आप पैंजी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप स्वीट सुल्तान लगा सकते हैं यानी कि डायंथस लगा सकते हैं, साइनेरिया लगा सकते हैं, तमाम ऐसे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। मैरीगोल्ड की छोटी वैराइटीज़ आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं या रेलिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फोलियज प्लांट हैं जिनको कि आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा करके अपने गार्डन में एक्स्ट्रा कलर ऐड कर सकते हैं, जिनमें पोलका डॉट प्लांट हो गया, और उसके अलावा आप कोलियस की छोटी वैराइटीज़ को लगा सकते हैं, केल को लगा सकते हैं आप अपने रेलिंग प्लांटर्स में। केल भी एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप क्रिएट करने वाला प्लांट है, और इसको आप अपने विंटर गार्डन का हिस्सा ज़रूर बनाइए, क्योंकि केल के लगने के बाद गार्डन का जो लेवल होता है वो मतलब ऑटोमेटिकली आपका गार्डन एक अपग्रेडेड गार्डन में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत देखने में ये दिखाई देता है। अगर आपको विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने हैं तो आपको टेराकोटा के पॉट्स लेके आने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट्स में नीचे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है और जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए विंटर के अच्छी नहीं होती है, उसमें आपका प्लांट ग्रो नहीं करता है, फंगस लगती है और उसकी रूट रॉट्स हो जा होती हैं। इसलिए आप टेराकोटा के पॉट्स को यूज़ करें, ये आपको सस्ते भी पड़ेंगे, किफ़ायती भी पड़ेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि टेराकोटा के पॉट देखने में नेचुरल और खूबसूरत भी ज़्यादा लगते हैं। सीजन फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत बड़े पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपल और चौड़े मुँह वाले 6 इंची से लेकर के और 12 इंची तक के पॉट्स को यूज़ करके अपने प्लांट को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग उसमें लगा सकते हैं। टेराकोटा सीजनल फ्लावरिंग प्लांट में कोकोपीट और परलाइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को रिटेन करेगी और ज़्यादातर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को गीली मिट्टी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती है, उनको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जो बहुत ही अच्छे से और उनकी वाटरिंग नीड पूरी करने के बाद तुरंत ही ड्राई हो जाए। और परलाइट की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास परलाइट के जगह पे बजरी को यूज़ किया होता है और ये एक चीप और बेहतर ऑप्शन है, इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। और अगर इनकेस आपने कहीं नर्सरी से कैलनकोइज, बेगोनियाज या फिर इम्पेशियंस वगैरह ख़रीदे हों जिनमें कोकोपीट हो, तो आपको उनको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो मीडियम है वो इन सीजनल प्लांट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये तीनों ही प्लांट्स तो वैसे भी कम वाटरिंग नीड वाले प्लांट हैं, ये जो मीडियम है वो इन सीजनल प्लांट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सॉइल को प्रिपेयर करें, उसमें क्या क्या चीज़ें डालें ताकि वो एक अच्छा और प्लांट्स के लिए हेल्दी मीडियम बने। गार्डनिंग को लेकर के आपके जो सुझाव हैं उनको आप मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे जो भी मैं अपडेट्स करूँ वो आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।